कोरोना की बड़ी मार, 24 घंटे में आए 2 लाख से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 14 लाख के पार हुए। कोरोना मामलों पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति ने की राज्यपालों संग चर्चा, टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर जोर। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। कोरोना के बढ़ते मरीजों पर बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में असाधारण स्थिति लेकिन अभी लॉकडाउन की संभावना नहीं। बांग्लादेश के गरीब भारत आते हैं, अमित शाह के बयान पर भड़के बांग्लादेश के विदेश मंत्री, कहा ये गलतफहमी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले ना टेस्ट है ना वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग है। उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का वक्त, यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित। दिल्ली एचसी ने रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी। तिहाड़ जेल से 3400 से ज्यादा कैदी गायब, कोरोना के दौरान दी गई थी परोल। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिली जमानत। लखनऊ में कम करके बताए जा रहे कोरोना से मौतों के आंकड़े, शमशान घाट और सरकार की संख्या में है फर्क। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेट आगे बढ़ाएं, लोन वसूली में दे राहत, उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से अपील। नंबी नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व पुलिस अफसरों की भूमिका की सीबीआई जांच के दिए आदेश। साइड इफेक्ट के संदेह के बाद डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को स्थायी तौर पर रोका। और स्वेज नहर में फंसे विशाल जहाज को मिस्र ने किया जब्त, $900 मिलियन का मुआवजा मांगा।